आजादी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत घूमते फिरते में। मैं हूं मुकुल शर्मा। घूमते फिरते का कारवां आपको बता दें पहुंचा है उत्तराखंड में, और यहां पर अगर बात की जाए जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, यहां पर आज हम हैं, इसके प्रांगण में हम हैं। एक बेहद ही हम कह सकते हैं प्रख्यात विश्वविद्यालय, जो लगातार ना सिर्फ नए नए जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनको किसानों तक पहुँचा रहा है, साथ ही साथ जो किसान हैं वो भी यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, प्रशिक्षण के लिए आते हैं। और हमारे साथ जो आप यहाँ पर कई किसान जो हैं देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँचे हैं प्रशिक्षण के लिए। और इन्हीं के साथ आज हम खेलेंगे हमारे सवाल जवाब का खेल, जिसमें जिसका नाम है घूमते फिरते। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और सबसे पहले यहाँ पर कौन आना चाहेगा आप लोगों में से हमारे साथ खेल खेलने के लिए? हाथ आप अपना उठा सकते हैं ऊपर, मैं चाहूँगा आप आ जाइए आगे। ये देखिए एक प्रतिभागी जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, इधर आप खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। अपना नाम आप हमें बता दें। राजेश कुमार, जनपद कन्नौज। चलिए राजेश जी हमारे साथ आए हैं इस खेल की शुरुआत करने। राजेश जी आपको बता दें हम आपसे चार सवाल पूछेंगे, चारों सवालों के बिल्कुल सही जवाब आपने दिए तो आप बन जाएंगे किसान कप के हकदार। तो शुरुआत की जाए सवाल जवाब के सिलसिले की? बिल्कुल सर। चलिए बिल्कुल, देखिए राजेश जी का कहना है कि बिल्कुल जल्दी से शुरुआत की जाए। तो इनके लिए हमारे पास पहला सवाल है ये, इनमें से किस योजना का संबंध कृषि से नहीं है? और इसके विकल्प हैं यानी ऑप्शंस हैं, ए जनधन योजना, बी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बी। एक बार फिर देखिए मैं आपके लिए विकल्प जो है वो बता देता हूं, इनमें से किस योजना का संबंध खेती से नहीं है? ए जनधन योजना, बी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जनधन योजना। ए जनधन योजना। देखिए राजेश जी ने कहा है ए जनधन योजना, क्या लग रहा है सही जवाब होगा या नहीं? सही है सर, बिल्कुल सही है। तो चलिए जोरदार तालियां आप इनके लिए बजा दीजिए। जो पहला जवाब दिया वो बिल्कुल सही, जनधन योजना। जी हाँ, खासतौर से हर एक व्यक्ति जो है उसका अपना खाता हो उसके लिए सरकार की तरफ से ये एक योजना जो शुरू की गई, और सीधा फायदा इसका भी जो है देखिए किसानों को ज़रूर मिला। ऐसा नहीं कि किसान इससे लाभान्वित नहीं हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आपके लिए हमारे पास दूसरा सवाल है ये, गंगोत्री क्या है? ए एक झरना, बी एक नदी, या सी एक तालाब, या डी गंगा का उद्गम स्थल। डी है सर, उद्गम स्थल। डी। जी डी। तो यहाँ राजेश जी ने हमें जवाब दिया डी, उद्गम स्थल गंगा का गंगोत्री, और ये बिल्कुल सही जवाब। एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। और चलिए अब आगे पढ़ते हैं और इनके लिए हमारे पास अगला सवाल है ये, उत्तराखंड की सीमा इनमें से किन देशों से मिलती है? और इसके विकल्प हैं ए चीन और नेपाल, बी बांग्लादेश और पाकिस्तान, सी श्रीलंका और भूटान, या डी बर्मा और अफगानिस्तान। चीन और नेपाल। चीन और नेपाल। राजेश जी ने हमें जवाब दिया है ए जो ऑप्शन था हमारा, चीन और नेपाल, ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी बजा दीजिए। तो देखिए ये अब तीन पड़ाव पार कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं आखिरी पड़ाव पर। जी हाँ, जो इनके लिए आखिरी सवाल है, राजेश जी क्या लग रहा है किसान कप जीत पाएंगे या नहीं? जीत जाएंगे सर। देखिए मुस्कुराहट बता रही है कि जीत जाएंगे, कोशिश हमारी यही कि ये जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दें और फिर किसान कप के हकदार बन सके। और आपके लिए हमारे पास आखिरी सवाल है ये, विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसके विकल्प हैं ए 21 अप्रैल, बी 21 मई, सी 21 जून, या डी 21 जुलाई। 21 जून। 21 जून। राजेश जी ने बहुत जल्दी से जवाब दिया, क्या लग रहा है सही है या गलत भी हो सकता है? सही लग रहा है। आप करते हैं योगा? जी हाँ। देखिए कह रहे हैं राजेश जी योगा करते हैं, उनकी सेहत देख के लग भी रहा है कि योगा करते हैं और हर एक को करना चाहिए, स्वस्थ रहना है तो योगा जो है वो बहुत जरूरी। और जो इनकी तरफ से जवाब दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी बजा दीजिए।
तो राजेश जी जो हैं, जैसा उन्होंने कहा था कि वो उनको लग रहा है पूरी तरीके से किसान कप के हकदार बन जाएंगे और यही इनका सपना जो है साकार हो चुका है। और हम अब चाहेंगे जो राजेश जी का किसान कप है वो हमारे बीच में पहुंच जाए। ये देखिए, किसान कप जो है वो अब हमारे पास यहाँ पर पहुंच चुका है और इसके जो असली हकदार हैं उनको हम ये दे रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए आप। तो यहाँ पर अब जो हमारे पहले किसान कप के हकदार थे वो तो अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब आगे इस खेल को बढ़ाने के लिए कौन आएगा ये हम देख लेते हैं। कौन आना चाहेगा आप लोगों में से हमारे साथ इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए? चलिए, दो प्रतिभागी यहाँ पर हैं। मैं चाहूंगा पहले आप आ जाएं हमारे साथ इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए भी आप बजा दीजिए। अपना नाम हमें बता दें आप। मेरा नाम दुर्गेश कुमार, मैं जिला फरुखाबाद से रहने वाला हूँ। चलिए, दुर्गेश जी हैं हमारे साथ इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए। दुर्गेश जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, आप जो पंत विश्वविद्यालय है इसमें आप पहुँचे हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि यहाँ पर जो हर एक किसान है उसको पहुँचना चाहिए और ज़्यादा जानकारी जो है ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से मिलती है? सर, यहाँ से तो हर किसी की जानकारी मिली है, खेती में जो हम चारा बोते हैं या कोई किसी भी नस्ल का जानवर लेने आए, हर बीमारी के बारे में बताया गया, जानवरों में जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में भी बताया गया। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला जो हम वहाँ जाके भी बताएंगे, लोगों को जानकारी बढ़ेगी। चलिए, बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन हमारे सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं ये यहाँ पर देख लेते हैं। शुरू किया जाए आप सवाल जवाब का सिलसिला। यस। चलिए, तो और इनके यहाँ पर अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और इनके लिए हमारे पास पहला सवाल है ये। यूरिया में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? और इसके ऑप्शन हैं ए ऑक्सीजन, बी फास्फोरस, सी पोटाश या डी नाइट्रोजन। जी, नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन, यहाँ दुर्गेश जी ने जवाब दिया है नाइट्रोजन, जो बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी बजा दीजिए। यूरिया की अगर बात की जाए, जब हम कहते हैं हमारी फसलें जिनको आवश्यकता होती है पोषकों की, और नाइट्रोजन प्रमुख पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता होती है, और यूरिया में ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो पहला सवाल जो है उस पर तो उन्होंने बता दिया। कुछ और बताना चाह रहे हैं? उसमें सर 46% होती है, 40% जी। देखिए, उसका जो प्रतिशत है वो भी इनको मालूम है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और इनके लिए हमारे पास दूसरा सवाल है ये। बरसात के मौसम को और किस नाम से जाना जाता है? और इसके लिए आपके विकल्प हैं ए चौमासा, बी चौराहा, सी चौबारा या डी चौद्वारा। चौमासा। चौमासा कहा जाता है बारिश के मौसम को। जी, देहाती भाषा में तो चौमास का महीना बोलते हैं, चौमास आ गया है सर। जी, यही बोला जाता है। चलिए, बिल्कुल। देखिए, दुर्गेश ने यही बताया कि गांव की भाषा की अगर बात की जाए तो चौमास कहा जाता है जो बारिश का मौसम है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर, लेकिन उससे पहले दुर्गेश जी जानना चाहेंगे आपसे, कृषि की हम लगातार बात करते हैं, क्या आपको लगता है और कैसे जो हमारे किसान हैं, पूरे देश के जो किसान हैं, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं? सर, सबसे अच्छा तरीका जितनी नॉलेज हो उतना तो है ही हम लोगों के पास, लेकिन यहाँ सर प्रशिक्षण में आने के बाद और ज़्यादा अधिक नॉलेज बढ़ती है, तो हमें सीखना चाहिए। जी सीखना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए, तो इससे ज्ञान तो बढ़ता ही सर। चलिए, ज्ञान बढ़ता है, लगातार आपको सीखना चाहिए। आप जो हमारा तीसरा सवाल है उसका जवाब दे पाएंगे सही से या नहीं? सर, पूरी कोशिश है। चलिए, पूरी कोशिश इनकी रहेगी, और इनके लिए हमारे पास तीसरा सवाल है ये। इनमें से कौन सी आम की किस्म नहीं है? और इसके लिए इनके विकल्प हैं ए दशहरी, बी कुफरी, सी अल्फांजो या डी फजली। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, इनमें से कौन सी आम की किस्म नहीं है? ऑप्शन है ए दशहरी, बी कुफरी, सी अल्फांजो या डी फजली। कुफरी। कुफरी जी। कुफरी आम की किस्म नहीं, आपको लगता है? सर, कुफरी तो वैसे तो मुझे जानकारी आलू होता है वो। आपको ऐसा लग रहा है कि आलू की है किस्म? जी सर, लग रहा है, और इसमें डाउट भी हो रहा है, एक वो तीसरा वाला जो आपने बताया। जी, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि कुफरी जो है वो सही जवाब हो सकता है। जी, तो देखिए, यहाँ दुर्गेश जी तीसरे पायदान पर हमारे साथ इस खेल को खेल रहे थे अभी तक, और जो इन्होंने इस बार जवाब दिया है ये जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। कुफरी की अगर बात की जाए, जैसा इन्होंने कहा कि जो आलू है उसी से संबंधित, और एक अच्छी किस्म में जो कुफरी की अलग अलग किस्में हैं, हिमाचल प्रदेश स्थित कुफरी जहाँ पर हमारा आलू अनुसंधान केंद्र भी है, जहाँ पर लगातार आलू की अलग अलग जो किस्में हैं वो तैयार की जाती हैं, और बाकी जो किस्में हैं वो सभी आम की किस्में जो कि इन्होंने हमें बताई। अब दुर्गेश जी, आप चौथे पायदान पर यहाँ पहुँच चुके हैं, आखिरी पायदान, अगर ये जवाब आपका सही हुआ तो आप भी किसान कप के हकदार बन सकते हैं, क्या लग रहा है? सर, बनेंगे बनेंगे
पूरी सर बनेंगे या किसान कप के हकदार आप बनेंगे? किसान कप के हकदार बनेंगे सर। हमें लगा कि शायद हम बन जाएं। नहीं सर, आपकी मेहरबानी। देखिए ये इनका सीधा कहना कि आप तो नहीं बन सकते हैं, ये इनको किसान कप का हकदार बनना है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। हमारा जो आखिरी सवाल है इनके लिए और आपके लिए, हमारे पास आखिरी और चौथा सवाल है ये। इनमें से नैनीताल को किस नाम से जाना जाता है? और इसके विकल्प हैं ए भीलों का शहर, बी कीलों का शहर, सी झीलों का शहर या डी टीलों का शहर। एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा देता हूं, विकल्प बेहद आसान। नैनीताल को किस नाम से जाना जाता है? भीलों का शहर, बी कीलों का शहर, सी झीलों का शहर या डी टीलों का शहर। क्या विकल्प? झीलों का शहर सर। झीलों का शहर। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बताया तो प्रेषणीय, नैनीताल जो है वो झीलों का शहर है। कभी घूमना हुआ आपका नैनीताल में? सर पढ़ा है, घूमने यहाँ पर पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा जी सर। और नैनीताल जाने की ख्वाहिश है लेकिन पहुँच नहीं पाया हूँ। चलिए, नैनीताल जाने की इनकी ख्वाहिश है, उम्मीद करते हैं आपकी जो ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी होगी। लेकिन इससे पहले जो आपने कहा था कि आप किसान कप के हकदार जो हैं बन जाएंगे, ये ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी हो चुकी है। जो जवाब आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी बजा दीजिए। लगातार चार सवालों के इन्होंने सही जवाब दिए और इसके बाद ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। और मैं चाहूंगा जो इनका जो किसान कप है वो हमारे बीच में अब आ जाए। दुर्गेश जी की निगाहें इसी पर कि किसान कप कहां से और कैसे इन तक पहुंचा है। और ये देखिए अब दुर्गेश जी का जो किसान कप है वो हमारे पास है और अब हम इसको देने जा रहे हैं उसके असली हकदार को, जो बने हैं दुर्गेश जी। दुर्गेश जी बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। तो बिल्कुल देखिए यहाँ दुर्गेश जी जो हैं वो बने हैं हमारे किसान कप के हकदार। दुर्गेश जी मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आप स्थान पर वापस जा सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ स्केल को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखिए दुर्गेश जी बने हमारे आज के कार्यक्रम में दूसरे किसान कप के हकदार। फिलहाल घूमते फिरते कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को डटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत घूमते फिरते में। जैसा कि हमने बताया आज हम पहुंचे हैं जीबी पंत
कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, और यहाँ पर लगातार जो किसान है वो प्रशिक्षण लेने आते हैं, अलग अलग विषय के बारे में जानकारी उनको दी जाती है। उन्हीं के साथ आज हम खेल रहे हैं घूमते फिरते, यानी जो सवाल जवाब का सिलसिला हमारा होता है, और अभी तक दो किसान कप के हकदार हमें मिल चुके हैं। अब देखते हैं और कौन आएगा इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए, कौन आना चाहेगा आप लोगों में इस खेल को। देखिए आगे जो हमारे युवा हैं वो पहले से ही तैयार हैं, इनके में कह सकते हैं अलग जोश और उत्साह इस खेल को खेलने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए भी। सबसे पहले अपना नाम आप हमें बता दीजिए। सत्यम शुक्ला। सत्यम जी हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, जो हम सवाल पूछेंगे उनके सही सही सत्य जवाब मिलेंगे यानी हमें। चलिए जोरदार तालियां आप सत्यम जी के लिए पहले बजा दीजिए। तो इनके लिए चलिए अब शुरुआत करते हैं, जो सवाल हैं चार सवाल भी इनसे हम पूछेंगे, उसके बाद देखते हैं किसान कप के हकदार बन पाते हैं या नहीं। और इनके लिए हमारे पास पहला सवाल है ये, इनमें से कौन सा जिला उत्तराखंड का नहीं है, और इसके लिए आपके ऑप्शन है ए देहरादून, बी झांसी, सी अल्मोड़ा या डी चमोली। झांसी। बी झांसी। झांसी। सत्यम जी ने जवाब दिया बी झांसी। क्या लगा, सही जवाब है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल जवाब। झांसी उत्तर प्रदेश में है सर। झांसी उत्तर प्रदेश के आपके राज्य में है यानी। और भी कुछ प्रसिद्ध है झांसी का? झांसी के किला प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई जी वहाँ से लड़ी थी, बिठूर आए थे जी, तो इसीलिए वसूर है, और हमारे पास भी है बिठूर जी। आपके पास तो हम भी अभी हैं फिलहाल। हाँ हाँ। चलिए देखिए इन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब दिया झांसी, और बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी बजा दीजिए यहाँ पर। तो पहला सवाल जो था उसका सही जवाब दिया सत्यम जी ने, सत्य जवाब हमको मिला। अब बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर, और इनके लिए हमारे पास दूसरा सवाल है ये, शिखर धवन को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, और इसके ऑप्शन हैं ए वीर, बी जय, सी गब्बर या डी सांभा। गब्बर। सी। देखिए इतना मुस्कुरा कर गब्बर कह रहे हैं, शायद गब्बर भी मुस्कुरा जाए इनकी मुस्कुराहट देखकर। तो सही है बिल्कुल जवाब, बिल्कुल सही है। शिखर धवन को यही कहा जाता है? हाँ, गब्बर कहा जाता है। किसी फिल्म में तो नहीं कहा जाता था ये? फिल्म में कहा जाता था शोले में जी, और फिर इन पे कहा जाता है इनके मूंछों की वजह से, और ताली ठोकते हैं जी। तो देखिए मुझे इनकी भी थोड़ी थोड़ी हमें नजर आ रही है, इस वजह से इनको पूरा पता है। फिलहाल जो जवाब इन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी बजा दीजिए। और अब आइए बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर, और इनके लिए हमारे पास तीसरा सवाल है ये, उत्तराखंड से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं, उसके ऑप्शन है ए चंबल और बेतवा, बी गंगा और यमुना, सी सतलज और व्यास या डी कावेरी और गोदावरी। गंगा और यमुना। गंगा और यमुना। यमुना यमुना वो हरिद्वार से निकलती है गंगा जी, और यमुना आगे मिल जाती है, क्या आगे यमुना मिल जाती है, क्या नाम यमुने जी। तो यानी ये दो नदियां जो हैं ये उत्तराखंड से ही निकलती हैं। हाँ। चलिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए सत्यम जी ने जो हमें जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां एक बार फिर आप सभी इनके लिए बजा दीजिए। और इनके लिए चौथा सवाल है ये, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इनमें से किस शहर में स्थित है, और इसके ऑप्शन हैं ए देहरादून, बी नैनीताल, सी चमोली या डी उत्तरकाशी। एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा देता हूं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA जिस नाम से हम जानते भी हैं वो इनमें से किस शहर में स्थित है, ए देहरादून, बी नैनीताल, सी चमोली या डी उत्तरकाशी। ए देहरादून। ए देहरादून। यहाँ पर सत्यम ने हमें जवाब दिया, और अभी तक बड़ा उम्दा प्रदर्शन ये कर रहे थे बिल्कुल गब्बर के जैसे, लगातार सवालों के हमारे जवाब दे रहे थे, तीन सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए, लेकिन इस बार भी जो आपने जवाब दिया है बिल्कुल सही, जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जहाँ से लगातार हमारे देश के जो जाबाज युवा हैं वो पहुंचते हैं और वो वहाँ पर शपथ लेते हैं इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और अलग ही एक कदम में साहस जो है इस मिलिट्री अकेडमी में नज़र आता है जो स्थित है देहरादून में। अब हम चाहेंगे इनके लिए जो किसान कप है वो हमारे पास तक पहुंच जाए। सत्यम की नज़रें भी ये ढूंढ रही हैं कि आखिर किसान कप कहाँ पहुँचेगा, और ये देखिए जो किसान कप है वो पहुँच चुका है हमारे पास। सत्यम जी ये आपके लिए, आपने इतना सही हमारे सवालों के जवाब दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। तो फिलहाल सत्यम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए और किसान कप जीतने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं अपने स्थान पर वापस जी, शुक्रिया।
तो देखिए यहाँ पर आज भी हमने यहाँ पर जो किसान पहुँचे थे उनके साथ खेला सवाल जवाब का खेल, जिसमें कई किसान जो हैं बने किसान कप के विजेता भी, क्योंकि लगातार उन्होंने सही जवाब दिए हमारे सवालों के। और यही फ़ायदा है देखिए, ना सिर्फ प्रशिक्षण में बल्कि जो किसान है वो पूरी तरीके से जागरूक, हर क्षेत्र की जानकारी उनको रहती है, फिर चाहे बात कृषि क्षेत्र की जाए, क्रिकेट जगत की हम बात करें, या तमाम अगर खासतौर से अगर उनको जानकारी जो है उसकी कमी के यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आती, सारी जानकारी जो है किसान समेटे हुए हैं और उसी जानकारी को हम टोलते रहते हैं कुछ सवालों के जरिए। लेकिन फिलहाल घूमते फिरते में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, इस वादे के साथ कि अगली बार पहुंचेंगे आपके राज्य में, आपके जिले में, और वहां भी घूमते फिरते किसानों से करेंगे कुछ सवाल। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।